हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने एक बार आ चुका हूँ नई अपडेट के साथ में। लखनऊ खंडपीठ की जो है दोस्तों सुनवाई समाप्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सुनवाई वहाँ से समाप्त हो गई है और बहुत बड़ी अपडेट अंदर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। साथ में इलाहाबाद के बारे में आपको पता चली गया होगा दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो शिक्षक मित्रों की सुनवाई चल रही थी उसकी अगली डेट 6 फरवरी को लग गई है। आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया है। पेपर रद्द को लेकर दोस्तों सुनवाई हो गई है, उसकी भी दोस्तों अगली डेट कल लगी है। कल उसकी फिर से सुनवाई होगी, 1 फरवरी को सुनवाई दोबारा से होनी है। साथ में दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ लखनऊ खंडपीठ के बारे में। लखनऊ खंडपीठ से दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताऊंगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है। तो दोस्तों मैं लखनऊ खंडपीठ से आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। आज दोस्तों जब शुरुआत हुई तो सरकारी वकीलों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों शुरुआत की और बहुत ही अच्छी अच्छी दलीलें पेश की, जिससे जज साहब बहुत ही प्रभावित दिखाई दिए और जज और छोटे से चुटकुलों के तौर पे दोस्तों अंदर से आवाज़ें आने लगी। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा दूं कि उनके जो सरकारी वकील ने बोले कि 150 गोले तो सबको मिले थे लेकिन भरे क्यों नहीं, इस टाइप की कुछ चुटकुले टाइप की दोस्तों दलीलें पेश की गई, जिससे जज साहब काफ़ी खुश दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों अंततः आते आते जज साहब ने एक ही बात बोलते हुए सारा डिसीजन की भाई खत्म करती हुई अगली सुनवाई लगा दी। और वो बात मैं आप लोगों को फिर से बता देने वाला हूं। ये बात आप लोगों को सुन के लगेगा जूल के साथ, ये बात तो 3 दिन से बोली जा रही है। जी हां दोस्तों, 3 दिन से ही ये बात बोली जा रही है और यही बात कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है परेशानी। जी हां दोस्तों, बात क्या बोली जज साहब ने, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली जिससे कि सरकार के जो वकील हैं उनका मुंह बंद हो गया। बहुत ही अच्छी दलीलें रखने के बावजूद ही वो उसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बोला अगर आपको 60-65 लगाना था तो पेपर से पहले क्यों नहीं। बस जब इतना जज साहब ने बोला उसके बाद सरकारी वकील दोनों के दोनों चुप और वहीं पर दोस्तों सुनवाई को समाप्त करते हुए जज साहब ने अगली डेट कल लगा दी और कल दोस्तों रिजवान अंसारी या फिर शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों उनका पक्ष लिया जाएगा। उनके पक्ष की दोस्तों एक और मौका दिया गया है कि आप लोग अपना पक्ष रखें, इसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे की अपडेट क्या रहेगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों शिक्षा मित्रों को वकील की जरूरत नहीं है, शिक्षा मित्रों की तरफ से जज साहब ही अकेले लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है वो एक ही बात को लेकर के अभी भी उसी बात पर खड़े हैं कि अगर आपको 60-65 लगाना ही था तो पेपर से पहले क्यों नहीं। बिकॉज व्यापक स्तर पर दोस्तों धांधली होने का दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर रद्द को लेकर याचिका लगी हुई थी, उसकी आज सुनवाई हुई। अंत में 20 मिनट दोस्तों सुनवाई हुई, उसमें सरकार के वकील ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जी हाँ उसमें जो है व्यापक स्तर पर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और ये आयोग की गलती है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। अब एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कल एक सुनवाई होने वाली है पेपर रद्द को लेकर दोस्तों। एक सुनवाई होगी लखनऊ खंडपीठ की कल, कल ही दोस्तों 2 डेट लगी हैं और एक दोस्तों 6 फरवरी तक के लिए सुनवाई होगी इलाहाबाद बेंच से। लेकिन लखनऊ खंडपीठ का अगर एक बार निर्णय आ जाता है, लखनऊ खंडपीठ अगर एक बार अपना निर्णय सुना देती है तो स्टेटस क्यों दोस्तों 6 फरवरी तक नहीं रहेगा, यह भी आप लोग याद रखिएगा। बिकॉज वो एप्लीकेशन लगा के स्टेटस क्यू को हटवा सकते हैं। आप लोगों के माइंड में ये ना रहे कि स्टे लगा 6 फरवरी तक। जी हाँ दोस्तों लगा तो है, लेकिन अगर लखनऊ खंडपीठ का निर्णय कल आ जाता है तो स्टेटस क्यू को गवर्नमेंट हटवा भी सकती है। तो सारी की सारी निगाहें टिकी हुई हैं दोस्तों लखनऊ खंडपीठ के ऊपर। लखनऊ खंडपीठ का जो निर्णय आएगा उससे ही दोस्तों इलाहाबाद खंडपीठ को ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार के वकील आज भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करने के बावजूद एक सवाल के आगे ढेर हो गए, जो सवाल दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया। सो गाइस, पल पल की अपडेट दिन भर की मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की, बिल्कुल एक एक मिनट की दोस्तों जो भी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की। आई होप कि आपको दोस्तों वीडियोज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किया होगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।